आज हम 4 से 5 ऐसे कौशल विकास की बात करेंगे जो भारत के अंदर एवं बिहार राज्य में गरीबों का आय एवं रोजगार बढ़ाने वाला साबित होगा। पहला है कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 16 जुलाई 2015 को की गई थी। कौशल का मतलब होता है आप किसी भी फील्ड में उसके बारे में पूरी तरह से ट्रेंड हो, जिससे कि आप उस काम को बखूबी तरीके से कर सके। इसकी शुरुआत तो हमने बता दिया, इसका उद्देश्य है देश के नवयुवकों को प्रशिक्षण देना। और सरकार का लक्ष्य है कि भारत में कम से कम 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके अंदर मंत्रालय जो आते हैं उसका नाम है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका अगर देखा जाए तो कुल प्रशिक्षण केंद्र भारत भर में 32,000 तक बनाया जा चुका है, 32,000 तक बनाया जा चुका है एवं इसको कई स्तरों पर लागू किया गया है। जैसे हर जिले में एक इसका मेन सेंटर स्थापित किया गया है, और मेन सेंटर के अंडर में काम करने के लिए कई सारे अन्य ब्रांच शुरू किए गए हैं। इसका नामकरण भी एक सेंट्रल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल पर इसका नामकरण किया गया है, जिसमें बच्चे जाकर कई तरह की ट्रेनिंग या कहें स्किल अर्जित करते हैं। इस स्किल में लोगों को कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे ज्वेलरी बनाना, कंप्यूटर संबंधित जानकारी या कहें तो सीखना, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना, सिलाई का काम सीखना, ऐसे ही बहुत सारे काम इसमें सिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कौशल विकास योजना को बहुत वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है, और इसे जब भारत सरकार ने 2015 में लागू किया था तो उन्होंने कई चरण में अब तक बांट चुके हैं। प्रथम चरण का दौर था 2015 से 16, जिसमें 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देना था। द्वितीय चरण में आते हैं 2016 से 20। इसमें भी सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित रखा था, जिसके तहत लोगों को ट्रेनिंग देना था। तीसरा चरण आता है 2020 से अब तक के, जिसमें 1 दिसंबर 2021 तक 130 मिलियन लोगों को कवर करना था। इसमें और भी बहुत सारी है बातें हैं जो कि योग्यता भी आधारित इसमें किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि कोई भी आए तो कैसे इस ट्रेनिंग को कर सके, जिसके लिए कम से कम पात्रता जो होगी बच्चों को 10वीं पास या 12th ड्रॉप आउट का मतलब जो 12th में एडमिशन लेकर एग्जाम वगैरह ना दिए हो, या ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट स्टूडेंट, या जो जो स्किल्ड नहीं पाए हुए लोग हैं, जिनको स्किल्ड नहीं मिला है और वो मनरेगा जीविका इत्यादि में काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनको कम आय का सृजन होता है, उनको ये ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग का एज भी निर्धारित किया गया है, और इसमें अभी तक भारत सरकार ने बहुत सारे बजट का आवंटन भी किया है, तथा उसमें एक नया फ्रेमवर्क भी जोड़ा है, जिसका नाम है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और ये डिजिटली हैंडल किया जाता है।
और ये स्किल इंडिया मिशन को एजुकेशन बजट के थ्रू ही चलाया जाता है, जिसमें भारत सरकार ने इस साल 1,04,278 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया है। तथा इसमें देखा जाए तो 2021 में 93,223 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार ने एजुकेशन सेक्टर के लिए आवंटित किया था। और यहाँ एक बात और बता दो कि इसमें जॉब न मिल पाने के बाद आपको सरकार द्वारा मुद्रा लोन पीएम मुद्रा योजना चलाया जा रहा है, जिसमें आपको कम से कम 50,000 तक के बिना गारंटी, अगर आप स्किल सेंटर से ट्रेनिंग लिए हैं, तो 50,000 तक का लोन बैंक से दिलवाने का प्रयास करेगा, नहीं तो आपको जॉब दिया जाएगा। इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आपको स्किल सेंटर के लिए कम से कम 1,000 मिनिमम फीस लिया जाता है, जिसको आप जब क्लासेस कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ आपको फिर ये पैसे वापस दे दिए जाते हैं।